की लगातार राहत की रेल चलाई जा रही है। एक और राहत की ट्रेन बोकारो पहुंची है, वहां मौजूद है हमारे सहयोगी सुरेंद्र। सीधे चलते हैं बोकारो। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट, राहत की रेल पहुंची है वहां पर? सुरेंद्र, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है सुरेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा कोशिश करेंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरेंद्र, राहत की रेल पहुंची है बोकारो स्टेशन पर, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास? मैं आपको बता दूं, अरनाकुलम से जो स्टेशन पर बोकारो स्टेशन पर ट्रेन पहुंची, उसमें कुल 1100 मजदूर हैं और यह जसीडी जाएगा। और बोकारो के जो समाज सेवी, आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके लिए पानी पीने के लिए फल फ्रूट और राहत की सामग्री उनको दिया जा रहा है। दी जा रही है, हम इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? श्रीभद्रमपुरम। क्या लग रहा है, कैसा सुविधा मिल रहा है? सुविधा अच्छा है, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। ये आपने सुना, इन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। और हम आपको दिखा रहे हैं जो सुरक्षा के इंतजाम है, पूरी तरह से रेलवे पुलिस आरपीएफ और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर सेवा दिया जा रहा है लोगों के द्वारा। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन आई है, और भी लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और लोग भी हैं, देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर। कुल 1100 मजदूर है जो जसीडी के जाएगा, वहां से अन्य जगह पे भी लोग जाएंगे। यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है सभी तैनात है, आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस का भी यहाँ पर रखा गया है ख्याल, और सभी जवान तैनात है और सभी शांति से सब कुछ यहाँ हो रहा है, बड़े आराम से हो रहा है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट के लिए रोकी गई है बोकारो रेलवे स्टेशन से। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि यह अरनाकुलम से ट्रेन आई है बोकारो, आई है जसीडीह जाएगी, और लगातार यहाँ जो बोकारो के समाज सेवी है लोग लोगों को खाने पीने की सामग्री दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा रेलवे स्टेशन का हाल। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि उन लोगों के लिए क्या नाम हुआ आपका? उत्पल मंडल। कहाँ से आप हैं? ये केरला से। क्या कैसा सुविधा मिल रहा है? ठीक है। कितना खुशी हो रहा है घर जाने से? घर जाने में खुश हो रहा है। झारखंड सरकार को क्या कहेंगे? झारखंड का सरकार का अच्छा कहेगा। अपने घर वापस लौटेंगे लॉकडाउन में, तो क्या लग रहा है जो घर जाकर अब जो मजदूरी करते थे वहाँ पर क्या रहेगा? बहुत तकलीफ था, उधर खाने के लिए मिलता नहीं था उधर, तो काफी तकलीफें थी। आप देख सकते हैं आप, पानी भी दिया जा रहा है सभी बोगियों में, सभी को पानी भी दिया जा रहा है डब्बे से, ताकि जो मजदूर आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत दे। आप देख सकते हैं बिस्किट लेके आ रहे हैं कई समाज सेवी, और सभी को बिस्किट भी दिया जाएगा। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। एक मिनट बताइए कि क्या इसमें जितने भी हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको बिस्किट, मिक्सर, केला और ये चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पानी का बोतल यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपने सुना चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से यह सारी सुविधाएं दी जा रही है। रेलवे भी अपना जो सुविधा दे रहा है लोगों को, पानी पीने का पानी और जो नाश्ता का पैकेट उनके द्वारा भी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार लोग जो स्टेशन में है लोग लगातार सेवा देने के लिए जा रहे हैं। आइए हम कुछ सुरक्षा कर्मियों से भी बात करें, लेकिन आप देख सकते हैं जो लगातार ये सभी जो मजदूर हैं जो अरनाकुलम से होते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। क्या नाम हुआ, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं केरला से, आ रहे हैं केरला से। केरला, क्या वहाँ पर किस तरह की तकलीफें हो रही थी? तकलीफें तो खाना वहाँ पे थोड़ा मिल रहा था, चावल पर अपना सब कुछ लेके अपना पैसे से भी मंगा रहा था हम लोग। अब जब अपने घर को जाएंगे तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सिंगल सिंगल सीट दिया सबको। हाँ। तो इसे अच्छा, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। आदमी को छोड़ा नहीं है, पर झारखंड का पूरा आदमी को भेज दिया है। तो आपने सुना कि झारखंड, तो देखिए ये ट्रेन जो अरनाकुलम से चली है
और थोड़ी देर बाद अभी जसीडी भी पहुंचेगी। और जसीडी बताया आपको कि ये ट्रेन पहले हटिया स्टेशन आने वाली थी लेकिन रूट डाइवर्ट किया गया और अब ये ट्रेन जसीडी स्टेशन पर रुकने वाली है। तकरीबन 1100 मजदूर इस ट्रेन में सवार हैं जो केरल से चले हैं और ये राहत की रेल लगातार चलाई जा रही है ताकि जो प्रवासी मजदूर, जो झारखंड के प्रवासी मजदूर है, जो बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं, दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जो जसीडी के बाद कहां कहां के मजदूर वहां पर ये हमको ठीक से अभी अंदाज हम नहीं बता पाएंगे, हमको थोड़ा सा काम देखने दीजिए। इसके बाद आपको ठीक तो ये था स्टेशन मास्टर, उनके तरफ से भी फल पानी की भी व्यवस्था की गई है। हेलो सुरेंद्र, देखिए ये ट्रेन अब थोड़ी देर बाद जसीडी भी पहुंच जाएगी और लोगों के चेहरे पर कितने मुस्कान है कि अब वो घर वापस लौट रहे हैं और ये साफ समझा जा सकता है। उनका कहना था कि ये दिक्कतें हो रही थी उन्हें वहां पे और अब जब देखिए यहाँ पे समाज सेवी भी जुटे, यहाँ पर उन्हें खाने पीने के पैकेट्स भी दिए गए और शायद अब ट्रेन रवाना हो रही है जसीडी के लिए। यहाँ पर जसीडी से ट्रेन जसीडी के लिए रवाना हो जाएगी क्योंकि जो राहत सामग्री देनी है सभी को दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जो सुरक्षा कर्मी है पूरी तरह से अपनी ड्यूटी में तैनात है, किसी तरह का कोई भी दिक्कत इन लोगों ने इसके लिए ये तैनात किए गए हैं। आरपी है जो यहाँ पर रेल पुलिस है, आप देख सकते हैं जिस तरह से आम राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है में, तो निश्चित तौर से उपकारों के साथ ड्यूटी कर रहे लोग चैम्बर ऑफिसर है, तो आप देख सकते हैं सभी को राहत सामग्री दी जा रही है और किसी को तरह का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोग भी कह रहे हैं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है सबको, तो निश्चित तौर से इन लोगों को मदद है। सर हमारे यहाँ सर से क्या क्लास है सर? नहीं सर दिक्कत नहीं हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, सर बहुत सुकून मिलेगा सर कराने के बाद सर। सर सरकार के बारे में धन्यवाद सर इतना कुछ करने के लिए सर, और सर बाकी सर सरकार का धन्यवाद करते हैं सर। अगर बात कर पा रहे हैं तो जरा उनसे पूछिए कि जब उन्हें वहां से रवाना किया गया तो क्या उन्हें तमाम व्यवस्थाओं के साथ भेजा गया था, वहां पर कैसी स्थिति थी उनकी और अब जब वो घर पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ उम्मीदें अब सरकार से? चीज बताइए कि जब वहां आप लोगों को भेजा गया था तो क्या सुविधाएं मिली थी वहां पे? सर 10 दिन के लिए हो गया। अभी जब आप ट्रेन पे चढ़े उस समय क्या सुविधा थी? अभी वहाँ पे सरकार जो है आने समय रोटी खाना ब्रेड सब कुछ मिला, आते समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक खाना उना सरकार सब देते गया। ये हेमंत शर्मा का मेहरबानी है जो सब कुछ जुगाड़ करते हुए आया हम लोग गरीब आदमी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे झारखंड वासी को जितना भी आया सब बहुत खुशी है, जितना पसंदर अभी है इसमें अल्लाह का करम है, सब बहुत खुशी हो रहा है। आपने सुना कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि वहाँ के सरकार ने भी खाने पीने की चीजें दी और झारखंड सरकार को लगातार ये सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से झारखंड सरकार में लोग, इनका कहना है कि जो आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनकी देन है कि आज हम अपने घर वापस जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये काफी अच्छा पहल है झारखंड सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी सर मुन्ना मंडल। आप बताइए कि जब वहाँ से आए थे तो किस तरह की व्यवस्था की गई थी? व्यवस्था सर वहाँ पे स्टेशन में 900 रुपया करके लिया पैसा और 8 रोटी 5 लीटर पानी और बिस्कुट ये सब दिया था वहाँ पे, और मास्क लगाने के लिए मुझे ये सब दिया था। तो अब अपने घर जाइएगा, कितना खुशी हो रहा है? खुशी तो आदमी थे, अगर यदि एक को कोरोना हो जाए तो 19 का 19 खत्म। बहुत दिक्कत से हम लोग रहते थे वहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं। आज आप अपने घर जाइएगा, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। झारखंड सरकार को क्या कहना चाहिए? झारखंड सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जो आ गया वो ठीक है, जो बच गया उसको भी लाने का कोशिश करे, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सुन रहे हैं आप, इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो बच गए हैं उनको भी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सभी अपने घर को जाएंगे और सभी एक आस बनी हुई है सभी लोगों से
कि हम अपने घर कब पहुंचेंगे, तो जसीडी लोग जाएंगे यहाँ से और जसीडी से विभिन्न जगहों पर इन लोगों को बस के माध्यम से छोड़ा जाएगा, स्क्रीनिंग होगी। लेकिन जो बुखार आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पुलिस है वो भी पानी का बोतल सभी को दे रही है, जो उनको खाने पीने की चीजें मुहैया करा रही है। पूरे वक्त में प्रशासन और पुलिस का सहयोग काफी अहम रहा है। देखिए यहाँ पर भी पुलिस के जवान जो हैं वो लोगों के बीच सामग्री का वितरण करते नजर आ रहे हैं सुरेंद्र, जो रेल पुलिस के जवान वहां तैनात हैं। देख सकती है लगातार जो यहाँ रेल पुलिस है और आरपीएफ है, सभी लोग यहाँ पर खाने की व्यवस्था कर रहे हैं और जो व्यवस्था होनी चाहिए थी। हम और भी कुछ लोगों से जानेंगे, पूछेंगे कि जो व्यवस्था मिल रही है कैसा है और कितना इससे कुछ व्यवस्था मिल रही है। हाँ ये बहुत है सर, इधर पानी नहीं मिला, इधर पानी नहीं मिला वहाँ, ठीक है सर। हाँ हाँ तो व्यवस्था भी ठीक है, सब कुछ सभी लोग का कहना है कि व्यवस्थाएं भी हमारी ठीक है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं अब हमें ऐसा लग रहा है कि ट्रेन थोड़ी देर के बाद यहाँ से खुलेगी। आप देख सकते हैं सभी को वहाँ जो अपने बोगी में है वहाँ तक राहत सामग्री पहुँचाई दी गई है और सभी को इंतजार है अब अपने घर जाने का। एक चीज बताइए कि कैसा लग रहा है आपका सर? खाना पीना तो सब मिल रहा है सर, ऐसा बात नहीं है सर। कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे केरला से सर। अब अपने घर जाइएगा कैसा लग रहा है? अभी तो सही है सर, अभी तो कहाँ पहुँचा सर, अभी तो रास्ते पे है सर। आपको जाना है साहबगंज जिला? साहबगंज जिला जी सर। व्यवस्था कैसी है? हाँ आप आइए, आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू मंडल। कहाँ काम करते थे? केरल त्रिवनपुरम। आप बताइए जब वहाँ चले थे तो कैसी व्यवस्था थी? व्यवस्था अच्छी है सर, केरल सरकार की व्यवस्था अच्छी है। अब झारखंड में आ गए, अपने घर जाएगा, झारखंड सरकार को क्या कहना चाहिएगा? झारखंड सरकार को हम लोग कहेंगे कि हम लोग को अच्छी तरह देखभाल करके घर तक पहुंचा दे। तो आपने सुना कि झारखंड सरकार अच्छी तरह से देखभाल कर हम सभी को घर पहुंचा दे। लोगों का ये है कि अभी घर पहुंचे नहीं, पहुंच जाएंगे, लेकिन खुशी साफ तौर से इनके चेहरे पर दिख रही है। जी बिल्कुल, और देखिए अब सरकार को, राज्य सरकार को सभी धन्यवाद कहते नजर आ रहे, शुक्रिया कहते नजर आ रहे और वाकई हेमंत सोरेन की ये पहल कामयाब होती दिख रही है। देखिए किस तरह से राहत की ट्रेन लगातार पहुंच रही है और आज तो 3 ट्रेन झारखंड पहुंच रही है, ये पहली ट्रेन जब जसीडीह उतरेगी। और इन सब के बीच जो चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है सुरेंद्र, वाकई देखिए इस खुशी का इंतजार परिजनों को भी होगा जब ये जसीडीह स्टेशन पर पहुंचेंगे और उसके बाद एहतियातन अलग अलग बसों की व्यवस्था वहां पर की गई है और उसके बाद ये गृह जिले में भेजा जाएगा इन तमाम लोगों को जो यहाँ पर है, वहाँ तैनात है, जो मदद कर रहा लगातार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम करने में लोगों को सहयोग से बिस्कुट करने के लिए कहूँ तो अपने पास भी है और आगे हम इसी तरह से आगे रहे, करते रहेंगे। एक तस्वीर और हम दिखाना चाहेंगे आपको, जिस तरह से यहाँ रेलवे स्टेशन है कि हल्ला रोपी लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपने जिस तरह से पानी को सभी को मिल दिया जा रहा है ताकि कोई भी लोग बच नहीं जाए। सब तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं जो राहत गाड़ी पहुंचाने के लिए लोग लगातार लगे हुए हैं ताकि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। सब तस्वीरों में दिखा जा सकता है, पुल भी हो, रेलवे मिनिस्टर जी आगे सभी लगे हुए जाए, तो सभी लोग लगे हुए। बहुत लग रहा है, लग रहा है कि हम लोग को कुछ मौका मिला है इस समय इस महामारी के दौर में और हम लोग पूरे तन मन धन दसवीं जो भी अच्छा हो पा रहा है उससे हम लोग लगे हैं। इसका इतने कम समय में लोगों की बहुत बहुत मुश्किल था, लेकिन चूंकि हम लोग को इस चीज का व्यवस्था किया तो आपने सुना कि एक घंटे में सारी तैयारियां की और लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए बोकारो से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं सभी तो निश्चित तौर पर जो झारखंड सरकार ने काम किया सराहनीय है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अब अपने घर को जाएंगे तो कैसा लगेगा? एक मिनट बताइए, अब कैसा लगेगा अपने घर जाइएगा? अच्छा लगेगा। कहाँ पर से, कहाँ से आ रहे हैं? त्रिवेंद्रम से झारखंड जा रहे हैं। काम करते थे? हाँ त्रिवेंद्रम में काम करते हैं। लॉकडाउन में उतने दिन रहने के बाद झारखंड सरकार आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था की, अब आप घर जाइएगा, झारखंड सरकार को क्या कहना चाहिएगा? धन्यवाद। तो जितने लोग सभी झारखंड सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी को खुशी है अपने घर में जाने की और सभी लोग खुश हैं, खासतौर से चाहे महिलाएं भी देखने को मिल रही है, पुरुष भी मिल रहे हैं। तो जो लोग अपने राज्य से बाहर फंसे हुए थे, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अरनाकुलम से सभी लोग जसीडीह से कई जगह जाएंगे, अब ये ट्रेन खुलने वाली है
और जिस तरह से लगातार यहाँ पर सेवा दिया जा रहा था, ये यहाँ के लोगों को भी हम धन्यवाद देने चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि इतने कम समय में जिस तरह से व्यवस्था की गई वो सराहनीय है। आपको मैं फिर से तस्वीरों में दिखाऊंगा कि लगा ये ट्रेन अब थोड़ी देर में चलेगी, सभी बोगियों में। बिल्कुल, और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का समन्वय ही है और दूसरे राज्यों के साथ झारखंड सरकार का समन्वय है कि ये इतनी बड़ी मुहिम अब रंग लाती नजर आ रही है। बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी कि कैसे दूसरे राज्यों में फंसे जो लॉकडाउन के दौरान मजदूर फंस गए हैं, प्रवासी फंस गए हैं, उन्हें घर वापस कैसे लाया जाए। और देखिए ये राहत की रेल बहुत कुछ बयां करती हुई एक सुखद तस्वीर दिखाती हुई कि लोग अब अपने घर वापस लौट रहे हैं और ये खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही है। सुरेंद्र, ये ट्रेन भी चलने लगा है और हमारे साथ जो यहाँ के स्टेशन मास्टर है वो भी जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर सेवा दी गई क्या था और क्या रेलवे द्वारा दिया गया। ये रेलवे के द्वारा हम लोगों को स्नैक्स दे पाए। देख सकते हैं सभी को तालियों से स्वागत कर रहे हैं, आज सभी ताली बजाकर इनका स्वागत कर रहे हैं और सभी लोग भी खुशी से जा रहे हैं क्योंकि वो अपने घर जा रहे हैं और कई दिनों के बाद जा रहे हैं। जो लॉकडाउन में फंसे थे उनको डर था, कई लोगों ने बताया कि एक ही कमरे में हम लोग 19-19 लोग रहते थे तो हमें डर भी रहता था अगर किसी एक व्यक्ति को हो जाए तो कभी हमें भी न हो जाए। तो ये सभी लोग राहत की सांस ले रहे हैं और झारखंड सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। जी अमिता जी, सुरेंद्र, ये ट्रेन अब रवाना हो चुकी है बोकारो स्टेशन से, अब थोड़ी देर में ये ट्रेन जसीडीह पहुंच जाएगी और वहां से फिर अलग अलग जगहों के लिए बसों के जरिए इन तमाम लोगों को उनके गृह क्षेत्र में भेजा जाएगा और इस दौरान मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी और ये थर्मो स्क्रीनिंग के बाद ही सभी को भेजने की अनुमति दी जाएगी। बताएं आपको कि जसीडीह स्टेशन पर भी प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और अब बोकारो स्टेशन से ये ट्रेन रवाना हो चुकी है। तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीरें सुरेंद्र हम तक पहुंचा रहे हैं, बोकारो में ट्रेन रुकी, एर्नाकुलम से ये ट्रेन चली और तकरीबन 1100 मजदूर इस ट्रेन से पहुंचे हैं झारखंड। अब ये ट्रेन जसीडीह पहुंचेगी थोड़ी देर में और वहां से इस ट्रेन को, वहां से जब ये मजदूर निकलेंगे तो उसके बाद उन्हें बसों में दूसरे उनके गृह जिले भेजा जाएगा या अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाएगा उनके गृह क्षेत्र में। लेकिन इस दौरान तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं जसीडीह स्टेशन पर और ट्रेन बोकारो से रवाना हो चुकी है। तो राहत की रेल लगातार झारखंड पहुंच रही है, आज 3 ट्रेनें पहुंच रही हैं। एक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो बोकारो स्टेशन पर पहुंची और ये ट्रेन अब जसीडीह स्टेशन पर रुकेगी जहां पर तकरीबन 1100 मजदूर उतरने वाले हैं। और भी 2 ट्रेनें हैं और वो भी राहत की रेल हैं जो प्रवासियों को लेकर पहुंच रही हैं। तमाम अपडेट्स News11 भारत आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।